बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज आप दोस्तों के लिए नई नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो नई एक नया फाल और नया नुक्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने दोस्त व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अच्छा दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। मेरी चैनल पर रिपोर्टें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना सच्चाई बयान करता हूँ या सच बताता हूँ, तो कई दोस्तों को जो है वो अच्छा नहीं लगता, ख़ासतौर पर जो गलत काम करने वाले हैं, तो इसलिए वो मेरे चैनल पर रिपोर्टें भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो फिर उनकी रिपोर्टें भी असर नहीं करेंगी। तो असला रखने के लिए लसासी दोस्तों लाजमी है। मैं अपनी वर्कशॉप में सिर्फ लसासी असला रिपेयर करता हूँ। तो मेरे इलाके के जो सब्सक्राइबर हैं वो सुन लें, जो करीब करीब जो आते रहते हैं मेरी वर्कशॉप पे, तो असला लसास के अलावा मैं बिल्कुल रिपेयर नहीं करता। और घर में अपना असला और एम्युनिशन हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर अलग अलग जगह पर रखा करें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले इसकी मैगजीन निकालते हैं, उसके बाद इसकी तसल्ली करते हैं कि अंदर से चैम्बर खाली है। दोस्तों ये लाजमी करना चाहिए हर असले का। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज इसका जो है फायरिंग पिन का इसका फॉल्ट है। तो कई दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी, बल्कि किसी और कारीगर के पास भी पहले लेके गए हैं, तो फिर जो है ना दोस्तों ये डमी राउंड है। तो इसके साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिंदा राउंड के साथ ये आप ना करें कभी भी। तो ये जी डमी राउंड है, तो ये देखें। तो दोस्तों ये फॉल्ट ये देखें, ये दोस्तों ये फॉल्ट इसकी फायर पिन की वजह से हो रहा है। हालांकि कई लोग इसका जो है ना एक्सट्रैक्टर का इलाज करते रहे हैं, वो जो दोस्त लेके आए वो बता रहे थे। तो इसका फायर पिन इसकी जाम है, तो इस वजह से दोस्तों अगर फायर पिन जाम हो तो या तो गोली अंदर नहीं जाती इसी तरह, या जली जाए तो फायर हो जाता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एहतियात लाजमी किया करें। इस तरह का अगर फॉल्ट हो आपका तो आप बिल्कुल हैमर ना आगे लेके जाया करें। तो अभी इसको निकालते हैं जी, इसको लॉक कर लेते हैं पीछे और इसकी गोली को तरीके से निकाल लेते हैं। इसका जो है ना दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इसकी पैर पिन जो है पैर निकली खड़ी है, ये देखें। अच्छा इसको जो है ना मैंने वो लगाया है इसका, यानी कि इसको ये आपको नज़र आ रही होगी पैर खड़ी है, इसको WD-40 लगा रखा है मैंने पहले भी। अच्छा दोस्तों, WD-40 वीडियो में मैं बहुत कम अभी लगाऊंगा। कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो फॉरन से हैं ना, जो गैर मुल्की यानी कि हैं, पाकिस्तानी नहीं है, तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं और कमेंट में लिखते हैं बकायदा। अच्छा ये बाहर के मुल्कों में WD-40 वेपन में बहुत बुरा समझा जाता है, बल्कि बहुत ये नफरत सी है उन लोगों को ना, कि वेपन के साथ अगर रखें भी सही तो हमारा, क्योंकि ये लोकल असला होता है, ये जंग आलूद बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम इसलिए इसमें WD-40 यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए भी। और हाँ, अगर आपके पास इंग्लिश असला है तो उसमें बिल्कुल ना करें, उसमें आप और गन ऑयल मिलते हैं उससे आप क्लीनिंग करें या लुब्रिकेटिंग करें। तो दोस्तों अभी इसको हम जिस असेंबल कर लेते हैं, खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको ये वाला पार्ट हमें चाहिए, बोल्ट स्लाइड चाहिए हमें, तो ये हम इसको, ये दोस्तों इसको मैंने WD-40 लगा रखा है सामने दोस्तों माजरत के साथ, सामने मैं इसलिए नहीं लगाता, हालांकि ये पड़ा है तो फिर जो है ना बहुत नाराजगी पैदा हो जाती है मेरे फारन से जो सब्सक्राइबर हैं उनसे उनकी। तो अभी मैंने इसको WD-40 लगा रखा है दोस्तों। तो अभी जो है ना इसकी फैर पेन को जो है ना, ये इसकी पेन होती है, इसको पैर की तरफ पुश करेंगे आप किसी भी इस तरह की जो साइज की पेन हो उसके साथ। अच्छा दोस्तों ये बनी बनाई मिल जाती है, मैंने ये खुद तैयार की हुई है। तो ये बल्कि बनी बनाई से ये हम खुद अगर तैयार करवा लें, स्टील जो कील होता है तो ये बहुत मजबूत होते हैं उसकी नस्बत, ये खुद तैयार अगर करवा लें कि अच्छे कारीगर से। तो दोस्तों ये देखें जी, ये इसकी पेन पैर आ गए। अच्छा ये देखें ना दोस्तों, ये अभी इसकी पैर पैर पिन निकली हुई है पैर, ये देखें बिल्कुल पैर खड़ी है। तो इसको किसी तरीके से मैं पीछे पुश करता हूँ, क्योंकि WD-40 हमने इसको लगा रखा है, तो अभी इसको कोशिश करते हैं कि इसी के साथ ही इसको ऐसा रहता पुश करें, ताकि
ये पीछे चल गया जी। तो अब इसको बाहर निकालते हैं किसी आराम आराम से लकड़ी के साथ, इस तरह टोकर लगा के ना। दोस्तों ये है, ऐसे ऐसे पीछे आ रही है, जाम है लेकिन। अच्छा दोस्तों, इसका फेयर पेन, इसकी रंग आलूद है। अब देखते हैं इसका स्प्रिंग निकालते हैं, तो स्प्रिंग कैसा निकलता है इसका। स्प्रिंग इसके अंदर जाम है दोस्तों, तो कोशिश करते हैं कि इसका स्प्रिंग भी निकल आए। ये दोस्तों स्प्रिंग के लिए आपको कोई भी तार का कुंडी बनानी पड़ेगी निकालने के लिए, जिससे आसानी से निकल आए। ओ दोस्तों, ये इसके स्प्रिंग की हालत थी, यानी कि अंदर ना ये, यानी कि जंग आलूद होने की वजह से ना ये आपस में चिपक गया, और इस तरह प्रेस इस तरह हुआ पड़ा था कि बस। तो बस दोस्तों, इसका मुख्तसर हाल यही है कि इसको WD-40 के साथ अच्छी तरह, क्योंकि जंग आलूद है, करके इसको इसका स्प्रिंग और लगा लेते हैं जी। तो दोस्तों ये इसको मैंने वो वाला चीज़ लगा दी तो अभी दोबारा से इसको निकाल लेते हैं। ये जी इसका जो है, किसी भी अच्छे कपड़े के साथ, चिंदी के साथ इसको साफ कर लेते हैं। तो साफ वाली चिंदी पड़ी है जी, इसके साथ कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग इसका निकाल लेता हूँ मैं, तो 1 मिनट। हाँ अच्छा दोस्तों, स्प्रिंग अगर जो नया लगा है तो उसके ऊपर आप जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो हल्का सा लगा लिया करें, ताकि जैसे कई लोग ग्रीस लगाते हैं तो ग्रीस ठीक नहीं होती, ग्रीस जाम करती है उल्टा। ये दो तो इसका नया स्प्रिंग है, इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब इसको इसी तरह, यानी कि अंदर खड़ा करके, इसकी जो कार्टर पेन है या इसकी को क्रॉस पेन है, उसको आप नहीं, इसके अंदर अभी भी दोस्तों मैल खड़ा है थोड़ा सा। तो दोस्तों अंदर से भी इसको हम करेंगे साफ। ये 2 to 3 का जो है, इसके साथ साफ कर लेते हैं। तो ये दोस्तों, ये 2 to 3 का जो क्लीनिंग ब्रश होता है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है ये होल के लिए, इसका जो फायर पिन होल होता है ना दोस्तों, इसके लिए। ये देख, तो अंदर से जो मैल वगैरह है वो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। ये देख अब इसको, अच्छा दोस्तों देसी जुगाड़ में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि घर आप आसानी से घर में आप काट सकें। जो ये देखें, ये मोटी वाली सुई है, उस पर मोटा धागा है लपेटा हुआ, तो ये इससे अंदर हम उसको खुश कर लेंगे अच्छी तरह, ये जो भी मैल वगैरह है वहाँ के अंदर। अच्छा अब दोस्तों इसको लगाते हैं जी इसके अंदर। हाँ अब दोस्तों पहली दफ़ा ही चली गई, क्योंकि मैल वगैरह जो खड़ी थी वो निकल गई। अच्छा दोस्तों इसको ऐसा ऐसा करते हैं जी, आगे खुश करते हैं। जैसे इसका सुराख अपनी जगह पे दोस्तों आता है ना, तभी ये हल्का सा भी साइड पे हो तो फिर ये आगे नहीं जाता। ये देख, अच्छा जब पूरी थोड़ी सी आगे चली जाए तो फिर आप इसको इसके साथ लगाएंगे, ताकि बोल्ट के ऊपर ठोकर ना लगे थोड़ी। ये दोस्तों ये बराबर हो गई। अब जो है इसको हम असेंबल कर लेंगे। ये देखें जी, इसका बिल्कुल फायर पेन इसकी जंप कर रही है, बेहतरीन करेगी। देख ये दोस्तों, अगर नज़र आ रही है तो ये जंप कर रही है। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। ओहो, तो असेंबल के लिए दोस्तों इसका ये देसी पिस्टल है ना, थोड़ा सा मसला कर रहा था, तो ये दोस्तों ये। अच्छा दोस्तों, जो देसी पिस्टल होते हैं थोड़ा जोर लेते हैं जिस तरह के कुछ, ये देखें। तो इंग्लिश तो जो होते हैं वो तो आसानी से असेंबल होते हैं, जब रखते जाएं तो। ये देखें जी उसका लाख दोस्तों ये। अब इसको देखते हैं कि ये अंदर, देख आपको करके दिखाता हूँ। ये डमी राउंड है दोस्तों, ये देखें जी अंदर चला गया, पहले नहीं जा रही थी गोली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।